आचार्य वीर नंदी जो थे ये सिद्धांत चक्रवर्ती थे, जैसे वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती थे जिनका वसुनंदी श्रावकाचार्य अपन ने पढ़ा, और उसमें उनने प्रशस्ति गाथा में स्पष्ट लिखा, पहली गाथा में लिखा कि वो कुंदकुंद आचार्य की परिपाटी के आचार्य थे सिद्धांत चक्रवर्ती। तो इसमें देखते हैं थोड़ा। ग्रंथकार का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। एक माणिक चंद्र ग्रंथमाला से भी इसके मूल प्रति प्रकाशित है संस्कृत में। सर्वप्रथम हम लोगों ने उसी से कुछ पढ़ा, फिर पंडित लालाराम जी शास्त्री द्वारा इसकी हिंदी टीका लिखी गई थी, और फिर आर्यिका गणनी माता जी सुपार्श्वती माता जी ने भी इस पर हिंदी टीका लिखी है, और उसके उपरांत पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने भी और भी प्रतियों का संग्रह करके फिर उसका हिंदी अनुवाद किया था। ये वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य हैं, ये मूल संघ के पुस्तक गच्छ और देशीय गण के आचार्य हैं। जैसे सरस्वती गच्छ और बलात्कार गण होता है, यहाँ पर ये पुस्तक गच्छ और देशीय गण के आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती। संघ मूल संघ है, और उन्होंने अपने गुरु मेघचंद आचार्य का भक्ति पूर्वक स्मरण किया है। मेघचंद्र मुनिराज का उन्होंने बारंबार स्मरण किया, और श्रवण बेलगोल की 47वीं प्रशस्ति में भी उनका उल्लेख मिलता है, मेघचंद्र मुनि का। त्रैविद्य रत्नाकर, तीनों विद्याओं के सागर मेघचंद्र, उनके शिष्य वीर नंदी। और वीर नंदी आचार्य महाराज के अन्य जो गुरु भाई थे उनमें एक प्रभाचंद्र आचार्य हुए और शुभचंद्र आचार्य भी हुए। तो कर्नाटक कवि चरित्र में जो आचार्यों का उल्लेख है उसके अनुसार देखें तो गोलाचार्य, फिर अभयनंदी आचार्य, फिर सोमदेव आचार्य, फिर सकलचंद्र आचार्य, फिर मेघचंद्र आचार्य, और फिर वीरनंदी आचार्य। ये सिद्धांत चक्रवर्ती भी थे और महाकवि भी थे। फिर काल निर्णय क्या है इनका, कौन से काल के हैं ये आचार्य? तो श्रवण बेलगोल के अभिलेख संख्या 47, 50, 52 से ज्ञात होता है कि मेघचंद्र आचार्य का स्वर्गवास शक संवत 1037 अर्थात विक्रम संवत 1172 में
और उनके शिष्य शुभचंद्र का शक संवत 1069 विक्रम संवत 1203 में हुआ था तथा उनके द्वितीय शिष्य प्रभाचंद्र देव ने शक संवत 1041 विक्रम संवत 1176 में एक महापूजा प्रतिष्ठा कराई थी। इससे प्रतीत होता है कि आचार सार के कर्ता वीर नंदी आचार्य भी इसी काल के हैं। फिर इसमें 12 अधिकार हैं, यानी 12 अध्याय हैं। 12 अध्यायों में क्रमशः जो विषय वर्णन है वो इस प्रकार है। प्रथम अधिकार में 51 पद्य है, जिसमें संसार भ्रमण से भयभीत भव्य जीव संसार शरीर और भोगों से विरक्त होकर सद्गुरु के पास जाकर निर्ग्रंथ दीक्षा की प्रार्थना करता है। चूंकि मुनियों का आचार ग्रंथ, इसलिए यहां सबसे पहले ये वर्णन गुरु के पास दीक्षा की प्रार्थना करते हैं। गुरु सम्यक प्रकारेण परीक्षा लेकर उनको दीक्षा देते हैं। दीक्षा के उपरांत नवदीक्षित साधु को 28 मूल गुणों का स्वरूप समझाते हैं। दीक्षा के उपरांत स्वरूप समझाते हैं। फिर द्वितीय अधिकार में 94 पद्य और मुनियों के क्रियाकलाप की शिक्षा है। तृतीय अधिकार में 75 श्लोक और दर्शनाचार का वर्णन। चतुर्थ अधिकार में 97 श्लोक है और ज्ञान के भेद प्रभेदों की विस्तृत चर्चा है, ज्ञानाचार का वर्णन। पंचमाधिकार में 151 पद्य में चारित्राचार का विस्तृत वर्णन। षष्ठाधिकार में 102 पद्य में तप आचार का वर्णन, बहिरंग और अंतरंग तप का वर्णन। और सप्तमाधिकार में 26 पद्य में वीर्याचार का वर्णन और 22 परीक्षाओं का मार्मिक चित्रण, बहुत सुंदर वर्णन। 22 परीक्षाओं पर विजय कैसे प्राप्त होती है। अष्टम अधिकार में 84 पद्य है और संयम संबंधी 8 शुद्धियों का वर्णन, जिसमें भिक्षा शुद्धि प्रदान होती है, 8 शुद्धियों का वर्णन। नवम अधिकार में 102 पद्य में 6 आवश्यकों का विस्तृत वर्णन, 102 काव्य। और दशम अधिकार में 63 पद्य में ध्यान के 4 भेदों का और अनुप्रेक्षाओं का विस्तृत वर्णन। 11वें अधिकार में 190 पद्य और उन पद्यों में जीव के विस्तृत भेद 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से बताए हैं। और इसी संदर्भ में मध्यलोक स्थित द्वीप समुद्रों का, स्वर्गों का तथा नरकों का भी वर्णन किया गया। और 12वें अधिकार में 33 पद्यों में शील के 18,000 भेद और 84 लाख उत्तर गुणों का वर्णन, उनकी संख्या, प्रस्तार, नष्ट और उद्दिष्ट के माध्यम से वर्णन था। तो ग्रंथ का जो परिमाण है, इसमें कुल काव्यों की संख्या 1068 पर ग्रंथकार ने उसको 1250 ग्रंथाग्र प्रमाण बताया, तो वो एक ग्रंथाग्र 32 अक्षर का होता है। तो 32 अक्षरों की गिनती से गिनेंगे तो 1250 श्लोक प्रमाण हो जाता है। तो इसमें कोई विरोध नहीं है। और छंदों में अनुष्टुभ, शार्दूल विक्रीत, श्रद्धरा, उपजाति, वंशस्थ और इंद्रवंशा जैसे छंदों का प्रयोग है।
आचार्य वीर नंदी नाम के एक आचार्य अन्य भी हैं जिन्होंने चंद्रप्रभ चरित्र की रचना की, वो इनसे थे। ये सिद्धांत चक्रवर्ती वो महाकवि है और वो अभयनंदी और के शिष्य तथा गुणनंदी आचार्य के प्रशिष्य थे और ये आचार्य मेघचंद आचार्य के शिष्य। और चंद्रप्रभ चरित्र वाले जो वीर नंदी आचार्य हैं वो इनसे पूर्ववर्ती है। अब अपन मंगलाचरण को एक बार पढ़ करके उसका अर्थ देखते हैं। लक्ष्मीं वीर जिनेश्वर पदनतानंतामराधीश्वर पद्मासद्म पदाम्बुज परमचिल लीलात तत्व व्रज विद्यानद्युदया चलो मितबल शांताखिलैनुमलो दद्यान्नस्त जगन्नतिं गुणमणि भ्रातोज्ज्वलालंकृतिम्। पदनतानंता मराधीश्वर वीर जिनेश्वर, वीर जिनेश्वर नह दद्यात्। प्रथम चरण में वीर जिनेश्वर जो है करता है और नह दद्यात् यानी हमारे लिए प्रदान करें। अब वीर जिनेश्वर कैसे हैं और हमारे लिए क्या प्रदान करें ये बताते हैं। वीर जिनेश्वर कैसे हैं तो पद नता नंता मराधीश्वर जिनके पदों में नत है अनंत अमर। अनंत अमर एक साथ तो नत नहीं है लेकिन अनादिकाल के जितने भी देव हैं वो सब परोक्ष रूप से त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकरों को नमस्कार करते हैं उनके चरणों में। तो उस विवक्षा से देखो तो महावीर भगवान के चरणों में भी अनंत सम्यक दृष्टि देव नमस्कार करते हैं, कर चुके हैं, आगामी काल में भी करेंगे, अतीत में भी कर चुके हैं और वर्तमान में भी उन्होंने किया था। तो अनंत अमर और उसके अधीश्वर अमराधीश्वर यानी इंद्र। वैसे तो इंद्र कितने होते हैं, वैमानिक देवों के इंद्र 12 होते हैं और उनके प्रति इंद्र भी एक एक होते हैं उनके साथ, तो 24 हो गए। कप्पा अमर 24 और इधर भवनालय 40 भवनवासी देवों के 10 भेद और एक एक भेद में दो दो इंद्र होते हैं, जैसे नाग कुमारों में धर्णेन्द्र है और भूतानंद है, ऐसे दो इंद्र है। यक्षों में माणिभद्र और पूर्णभद्र, ऐसे दो इंद्र है। तो ऐसे यक्ष जो है वो व्यंतरों में आएंगे, तो व्यंतर और भवनवासी पूर्व और द्विंद्रा पहले के जो दो निकाय है उनमें दो दो इंद्र है। तो भवनालय 40 प्रतिंद्र के साथ मिला रहा 10 के 20 हुए, 20 के 40 हो गए। भवनवासी संबंध रखने वाले व्यंतरों में 8 भेद होते हैं और 8 भेदों के दो दो इंद्र हो जाएंगे, 16 इंद्र हो गए और 16 इंद्रों के साथ एक एक प्रतिंद्र ले लेंगे तो फिर 32 हो जाएंगे। विंतर रिवाण होते 32 कब्बा और 24 कल्पवासियों के 24 इंद्र कैसे होते हैं, तो बोले कि प्रथम 4 कल्पों में और अंतिम 4 कल्पों में एक एक इंद्र और मध्य के 8 कल्पों में 4 इंद्र होते हैं। युगल कल्प का एक इंद्र होता है मध्य में, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर का एक इंद्र ब्रह्मेंद्र, लांतव कामेश का एक इंद्र लांतवेंद्र, शुक्र महाशुक्र का एक इंद्र शुक्रेंद्र, शतार सहस्त्रार का एक इंद्र शतारेंद्र, इस तरह 4 इंद्र होते हैं। तो फिर उधर आप उत्तर स्वर्ग में देखेंगे कि स्वर्ग जो होते हैं ना सुमेरु पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण स्वर्ग होते हैं, उत्तर भाग में उत्तर स्वर्ग होते हैं, ऐसा विभाजन है। तो जो दक्षिण स्वर्ग के इंद्र होते हैं वो सारे एक भवावतारी होते हैं
उनके लोकपाल भी एक भवावतारी होते हैं, लेकिन सौधर्म स्वर्ग की जो शची होती है वो एक भवावतारी होती है। और इधर उत्तर स्वर्ग में वैकल्पिक है, उत्तर स्वर्ग के इंद्रिय चार होते हैं, दक्षिण स्वर्ग के आठ होते हैं, तो ऐसे 12 इंद्र होते हैं, उनके 12 प्रतिनिधि मिला लेंगे। तो जम्बूदेव पंडित संगम में लिखा है कि ये प्रतिनिध कौन होते हैं, तो उन्होंने बताया कि कुछ स्वर्गों में प्रतिनिध लोकपाल होते हैं, कुछ स्वर्गों में सामान्य होते हैं। सौधर्म ईशान में उन्होंने ये भेद बताया। तो इस तरह हाँ, चंद्रमा और सूर्य इंद्र और प्रतिनिध है, फिर मनुष्य में चक्रवर्ती है, और तिरंचों में केसरी सिंह है, अनेक प्रकार के सिंहों में केसरी सिंह जिसके गर्दन के बाल केसरिया होते हैं, वो एक विशिष्ट सिंह होता है, क्योंकि उसकी गर्जना जो होती है वो बाकी कोई सिंह उसकी गर्जना के बराबर ही गर्ज नहीं सकता, वो इतनी तेज गर्जना होती है उसकी। वो सिंह अभी है, अभी है, काफी जब हम रामकथा कर रहे थे गुजरात में अहमदाबाद में, वहाँ पास में एक संग्रहालय है, प्राणी संग्रहालय, जब सीता जी का वनवास का वाला प्रसंग आया उसमें कि सीता जी को राम ने अयोध्या से 60 योजन दूर सिंह रवा नाम की अटवी में वन में छुपा दिया, तो वहां सिंह गर्जना करते थे, और उसी टाइम यहाँ से सिंह की गर्जना की सब आवाज आई थी संग्रहालय से, वहाँ वही सिंह, वही केसरी सिंह, केसरी सिंह की आवाज 6-6, 8-8 किलोमीटर जाती, इतनी तेज आवाज होती है। और अगर पास खड़े हो ना उसका पिंजरा वहां हो, आप खड़े हो तो आपके पैर में वो गर्जना के स्पंदन महसूस हो, जैसे डीजे होता है ना, उससे अपने पेट में कैसा लगता है, छाती तो पेट में लगता है, ट्रेन आती है तब भी पैरों में लगता है, बस वो जब केसरी सिंह दहाड़ता है तो पैरों में पूरा अनुभूति आती है। तो ये एक जिनेंद्र की वंदना में अनंत जिनेंद्र की वंदना करते थे, धवला की 13वीं पुस्तक में है कि आपने एक भगवान की अगर विधिवत वंदना की तो आपने सब भगवान की वंदना कर ली। तो यहाँ पर ये अनंत जो शब्द आया है उसका अभिप्राय यही है कि जितने तीर्थंकर हुए हैं उनमें जितने भी देव हुए उनके काल में उनने जब भी उन तीर्थंकर की वंदना की है तो उन तीर्थंकर की वंदना में सारे तीर्थंकर आ गए, और इसलिए अनादिकाल से जितने तीर्थंकर हुए अनंत काल में जितने हुए सबके द्वारा भगवान महावीर स्वामी भी वंदित हुए। और कैसे हैं महावीर स्वामी, पद्मा सद्म पदाम्बुजन, जिनके चरण कमल पदाम्बुज पद्मा के सद्म है, पद्मा का लक्ष्मी, लक्ष्मी के सद्म यानी महल, भगवान के चरण लक्ष्मी के निवास। और कैसे हैं भगवान, तो कहते हैं परम चित लीला लीलात तत्व व्रजन, परम चैतन्य की लीला से प्राप्त कर लिया है संपूर्ण तत्वों का समूह जिन्होंने, अर्थात अपने चिदानंद स्वरूप की आराधना से जिनका ज्ञान परम अवस्था को प्राप्त हो चुका है, और उस केवल ज्ञान में संपूर्ण तत्वों का समूह आ चुका है। और फिर विद्या नद्युदया च मित बलम, ज्ञान रूपी नदी को बहाने वाले वे उदयाचल हैं, पर्वतों से नदियों का प्रवाह होता है, जैसे अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, ऐसे कई नदियां हैं जो पहाड़ों से शुरू होती है और फिर समुद्र में जाकर के मिलती है, तो उसके बहुत दूर दूर तक तट विस्तृत हो जाते हैं।
अच्छा विद्यासागर महाराज ने सुनीति शतक में लिखा है, गिर से गिरती सरिता पहले पतरी पतरी चलती है, किंतु अंत में रूप बदल कर सागर से जा मिलती है। यानी वो पतली सी नदी समुद्र में जाकर के मिल जाती है। तो यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी नदी के उदयाचल महावीर स्वामी और अमित बल जिनके बल की कोई सीमा नहीं, अनंत शक्ति जिनमें विद्यमान है, और शांता खिलैनो मलो, शांत कर दिया है अखिल यानी समस्त ऐनस, ऐनस का अर्थ होता है पाप रूपी मलगुजिन, अर्थात संपूर्ण पाप रूपी मैल जिनके शांत हो चुके हैं, ऐसे वीर जिनेश्वर महावीर जिनेश्वर न यानी हमारे लिए दत्यात प्रदान करें। क्या प्रदान करें? लक्ष्मी, लक्ष्मी प्रदान करें। कथम भूतां लक्ष्मी, कैसी लक्ष्मी? तो बोलते हैं त्रिजगन नतिम, वह लक्ष्मी जिसको तीनों जगत की नति प्राप्त हुई, यानी तीनों जगत से नमस्कृत जो लक्ष्मी है वह लक्ष्मी प्रदान करें। वो कौन सी लक्ष्मी? नौ केवल लब्धियां, नौ केवल लब्धियां रूपी जो विभूति है वो लक्ष्मी। और कैसी है? तो बोलते गुण मणि प्रातो ज्वलालंकृतम, और वो लक्ष्मी जो है गुण रूपी मणियों के व्रात यानी समूह से की उज्ज्वल, उनके गुण मणियों के समूह की उज्ज्वल अलंकृति जिस पर विराज विद्यमान है, ऐसी लक्ष्मी। यानी वो नौ केवल लब्धियां जो होंगी ना वो अनलंकृत नहीं हो सकती। नौ केवल लब्धियां जहां भी होगी वहां पर अन्य अनेक गुणों के समूह उसको उज्ज्वल अलंकार प्रदान करेंगे, ऐसी लक्ष्मी वीर जिनेश्वर हमें प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना की। अब फिर दूसरे काव्य में भी मंगलाचरण को ही और आगे बढ़ा रहे हैं। विनीय सस्योत्पल पुण्य वार प्रस्यंदनानंद प्रस्यंदनानंदन मील चंद्र, विनीय सस्योत्पल पुण्य वार प्रस्यंदनानंदन मील चंद्र, श्री वासु पूज्य व्रति बंद पादो वर प्रदस्तान मम योगी वर। योगी वर्य इसमें उसमें वर्ग लिखा, पंडित जी ने कोष्टक में पाठ संपादकीय पाठ दिया हुआ वर्य। विनेय, विनेय का अर्थ होता है विनेय तुम योग्य, विनेय जिसको आप जैसे चाहे वैसे मोड़ कर ढाल सकते हो, जैसे कुमार मिट्टी को नाना प्रकार के आकार प्रदान करता है, वैसे एक ऐसा भव्य जीव जो इतना विनम्र है कि आप उसको जैसा गुरु जैसा उसको ढालेंगे वैसा वो ढल जाएगा। तो उस शिष्य का पर्यायवाची शब्द विनेय,
तत्वार्थ सूत्र में अविनेय शब्द आता है, कहां आता है? मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानिच सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु अविनेयेषु माध्यस्थ। जो अविनेय है, जिनको आप बदल नहीं सकते, जो टेढ़े के टेढ़े रहने वाले हैं, उनके प्रति आप माध्यस्थ भाव रखिए, तटस्थ रहिए। तो यहां पर विनेय की बात चल रही है। तो विनेय रूपी जो सस्य अर्थात धान्य है और उत्पल, कुछ विनेय ऐसे भी है जो उत्पल रूप है, उत्पल का अर्थ नीलकमल होता है, तो उनके लिए पुण्यवारिक प्रस्यंदन, जो पवित्र जल का झरना है, और आनंदन मेघ चंद्र, क्या सुंदर बात लिखी है, ये बिल्कुल साहित्यिक रचना है, तो हम इसका अर्थ उस ढंग से करते हैं। ऐसे लगाना कि शिष्य रूपी जो सस्य है, धान्य है, धान्य को बरसात की जरूरत होती है, तो उसके लिए पुण्यवारी पवित्र वारी प्रस्यंदन, ठीक है, पवित्र जल को झराने वाले मेघ, मेघ और उत्पल के लिए क्या है, नील कमल जो है रात में खुल खिलता है, उसके लिए क्या है, तो बोलते हैं कि आनंदन चंद्र, उस उत्पल जो निमीलित उत्पल है उसको उन्मीलित करने के लिए चंद्रमा आवश्यक। तो कुछ शिष्य जो सस्य रूप है उनके लिए तो बरसात झराने वाले बादल है, और कुछ शिष्य जो नील कमल के समान, शिष्य भी अलग अलग प्रकृति के होते हैं, तो नील कमल के समान जो शिष्य हैं उनके लिए, उनको आनंदित करने के लिए, उनको प्रफुल्लित करने के लिए चंद्रमा के समान। और श्री वासु पूज्य प्रतिबंध पादो, वासु का अर्थ इंद्र होता है, श्री का अर्थ वैभव होता है, तो वैभवशाली इंद्रों के द्वारा पूज्य है और व्रतियों के द्वारा वंद्य है, पाद अर्थात चरण जिनके, और ये सारे विशेषण होते हैं। योगी वर्ग का भी अर्थ निकल आएगा और योगी वर्य का भी अर्थ निकलेगा। तो ऐसा जो योगी वर्ग ध्यान करने वाले साधुओं का समूह है, वह मम मेरे लिए वर प्रदस्तात, उत्कृष्ट प्रदान करने वाला, वर प्रदान करने वाला हो, साक्षात अश्रुत, अश्रुत का युग साथ है, जैसे भवतु भवतार्थ, ऐसे दोनों रूप बनते हैं। और योगी वर्य अगर करते हैं तो फिर वासु पूज्य भगवान का भी वहां पर समावेश हो जाता है, और सीधा सीधा अर्थ करो तो योगी वर्ग, मैं चूंकि योगियों के आचार ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, तो फिर जो बड़े बड़े ध्यानी साधुओं का समूह है वे मुझे वरदान प्रदान करें, ऐसा इसमें अभिप्राय निकलता। और इसमें श्लेष अलंकार से
मेघ चंद्र जो शब्द था ना, उसको भी उन्होंने इसमें समाविष्ट किया अपने गुरु का नाम है। यहाँ ग्रंथकर्ता ने विनय अर्थात शिष्यों को सस्य ध्यान धान्य और उत्पल अर्थात नीलकमल का रूपक दिया है, शिष्य रूपी धान्य और शिष्य रूपी नीलकमल, और वासुपूज्य भगवान को मेघ तथा चंद्र का रूपक दिया है। जिस प्रकार मेघ जल वृष्टि द्वारा धान्य को हरा भरा कर देता है और चंद्रमा नील कमलों को विकसित कर आनंदित करता है, उसी प्रकार वासुपूज भगवान भी शिष्यों को प्रसन्न और आनंदित करते थे। श्लेष से ग्रंथकर्ता वीर नंदी आचार्य ने अपने गुरु मेघचंद्र का स्मरण किया। अब ग्रंथ रचना की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। संसार निराकरमुत्तरीतुं दर्शचरित्रं गुणरत्नपात्रं सद्दर्शन ज्ञान समेतमेत तत्पक्ष लक्ष्माहमिहास्य वक्षी। संसार रूपी जो निराकर है समुद्र, उसको उत्तरी तुम पार करने के लिए गुणरत्न पात्रम चरित्रम तरी, गुण रूपी रत्नों का पात्र जो चरित्र है वह नाव है। संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है, और वह सद्दर्शन ज्ञान समेतम एतत, यह चरित्र सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से समेत है, रहित नहीं है, उसके साथ है। तत्पक्ष लक्ष्म और उस चरित्र का जो पक्ष है और उसके जो लक्षण है उसको अहम इह अस्य चरित्रस्य पक्ष लक्ष्मण वक्षी, इस चरित्र के पक्ष को इस चरित्र के लक्षण को मैं इह यानी इस शास्त्र में वक्षे कहूंगा। यानी रत्नत्रय ही संसार सागर को पार करने के लिए नौकर है। ये चारित्र रूपी तरी यानी जहाज में गुण रूपी रत्न भरे होते हैं, तो अभी अपन ये आज की भूमिका तीन काव्यों को ही रखते हैं क्योंकि मंगलाचरण और प्रतिज्ञा वचन इतना आज अपन ने इसका प्रारंभ किया है। जय हिंद जय प्रशासन अर्थात